साथ अपराध की तुलना मत करिए। अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत। और ये दुखद है कि किसी की हत्या होती है, और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई ना कोई कारण तो होता ही है, और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में, और उसके बाद वो सही आदमी को जो अपराधी है उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद DGP से पूछा और बात किया, ये लोग स्पेशल टीम बना करके देख रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है, और आपको किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई अब मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं नहीं ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है, आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए, और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है, और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप जरा गौर करके देख लीजिए पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले, क्या था, कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था। आज वो स्थिति है। पूरे बिहार, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है, लेकिन एक एक चीज फिर भी दुख होता है। अगर कहीं किसी की हत्या हो यह दुखद है, और आप जानते हैं हत्या करने वाले पर कितनी कार्रवाई होती है, और उसके लिए कानून बना हुआ है और कोर्ट से भी उनको होगा, और इसके बारे में पूरी जानकारी इस पूरा पुलिस कर रहा है और जाएगा, और इसका स्पीडी ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा, ताकि कोई भी जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसके लिए अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। लेकिन मुझको भरोसा है, अभी DGP ने मुझको जो आश्वस्त किया है कि पूरे तौर पर एक एक तरफ से लगा हुआ है, यहाँ का SP से लेकर के IG से लेकर के और टीम बना करके लगे हुए हैं। तो एक बात तो है, अब अपराध हुआ है तो, लेकिन और लोगों को भी जरूर इसके बारे में असेसमेंट करना चाहिए कि अपराध किसी का भी होता है तो कौन से कारण से किया है, तो इन सब चीजों के बारे में अगर पता हो, क्योंकि हम लोग इसके लिए बहुत कंसर्न है। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूँ? आप इतने महान व्यक्ति हैं, और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम काहे भाषण दे रहे हैं? हम तो कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो चीज भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों आपके जो खासियत सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए और नई ट्रेनिंग भी करवाइए। कहीं ऐसा न हो कि जितना ज्यादा बिहार में, और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है, क्राइम करने वाले कौन हैं, और ये पुलिस वाले को पता चलता है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जो भी उसको अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसके हिसाब से काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछिए। और हम लोगों ने पूरे तौर पर कहा है कि जल्दी से जल्दी और पूरी सख्ती से इंक्वायरी होनी